स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अब हम आ गए हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 5E, पार्ट 5E, और हम यहां देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसका टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में हमें देखना है प्लस माइनस, यानी सेकंड नंबर पे प्लस आएगा और लास्ट में माइनस आएगा। सेकंड नंबर पे प्लस और लास्ट नंबर पे माइनस। एक बार मैं पुराने टॉपिक बता दूं तो पुराना हम लोगों ने लिखा था कुछ इस तरह से। देखो पहले हमारा था स्टार्टिंग में, पहले टाइप में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सेकंड टाइप में था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। थर्ड था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। और हमारा भी 4 टाइप है। तो पहले दोनों टाइप थे हमारे प्लस वाले, चेक करो एक बार प्लस वाले कैसे, यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस है, यानी फैक्टर हमें ऐड करके मिलेगा, फैक्टर हमें ऐड करके मिलेगा, ओके। और यहां पे माइनस साइन है मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, ओके। और ये जो जो चौथा टाइप है यानी फोर्थ टाइप है, वो फोर्थ टाइप भी कैसे आपका, वो भी सब्ट्रैक्ट करके ही मिलेगा, यानी माइनस करके ही मिलने वाला है। तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करो। वही तरीका तो सेम रहेगा हमारा पहले जैसा ही। पहले हम इसका रफ बनाएंगे और रफ मैंने इस तरह से बना लिया। अब यहां पे साइन है माइनस का तो हम लिखेंगे यहां पे पहले सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट और यहां लिखेंगे हम लोग डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे दिया माइनस 50 तो हम लिखेंगे यहां पे माइनस 50, यहां पे प्लस 5 तो यहां पे प्लस 5। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके यानी 50 को ऐसा फैक्टराइज करो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आए, समझे। तो क्या होगा, हम लिखेंगे माइनस 50 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 50 को फैक्टराइज करेंगे 1 into 50, 2 into 25, 5 into 10, 10 into 5, बस यही चार फैक्टर निकलेंगे, यही चार निकलेंगे। अब इन चारों में से कौन सा सेलेक्ट करना, तो ऐसा कौन सा है जिसको माइनस करने पे 5 आ रहा है, सोचो 50 में से 1 माइनस किया 49 तो नहीं चलेगा, 25 में से 2 माइनस किया नहीं चलेगा, 10 में से 5 किया नहीं चलेगा, और 10 में से 5 किया तो चल जाएगा, यानी ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना, जिसमें बड़ा नंबर पहले हो, जिसमें बड़ा नंबर पहले हो वही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी ये सेलेक्ट करेंगे। सो 10 into 5। अब बारी आ गई साइन की, कि साइन कौन सा पुट करें। तो मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करते समय डिफरेंट साइन पुट करना है, यानी एक को प्लस लगेगा और एक को माइनस लगेगा। तो अब हमें यह सोचना है कि किसको हम प्लस लगाए और किसको हम माइनस लगाए। तो जब यहां पे प्लस दिया है, यानी यहां पे प्लस दिया है तो आप इसको प्लस लगाओ और सेकंड वाले को माइनस लगाओ, समझे। अब यहां पे वेरिएबल एक्स यूज हुआ है तो हम भी यहां पे एक्स लिखेंगे और यहां पे भी एक्स लिखेंगे, ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर बाद में बीच वाले टर्म को डिलीट कर देंगे, यानी वो हो जाएगा आपका 10x और वो हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सो x इंटू एक्स प्लस 10 into x माइनस 5 into x माइनस 50 को कैसे लिखेंगे, हमने यहां पे 50 को क्या लिखा, 10 into 5 लिखा, तो यहां पे भी लिखेंगे 10 into 5 लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा वो सोचो, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा वो सोचो। अगर अच्छे से चेक करोगे तो यहां पे x दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, और यहां पे चेक करोगे तो 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम यहां से x अगर बाहर निकालेंगे, x अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो प्लस के पहले बच जाएगा x और प्लस के बाद बच जाएगा 10 बचा।
उसके बाद यहां से 5 और 5 अगर कॉमन निकालेंगे, लेकिन सामने माइनस है तो माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस के पहले बचा x, माइनस के बाद बचा 10। लेकिन यहां पे खबरदार, और क्या खबरदार, कि जब भी ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन लगाते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, यानी उल्टा साइन कर देंगे, यानी रहने वाला था माइनस लेकिन हो गया यार प्लस। ओके, सोचो अगर माइनस से इंटू करूंगा तो फिर से ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? अगर माइनस फाइव को एक्स से करेंगे तो माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव को टेन से करेंगे तो माइनस फिफ्टी बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब ये दोनों सेम सेम दिख रहा है तो हम उसको लिखेंगे एक्स प्लस टेन एक्स माइनस फाइव। आ गया पक्का? चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पिछले बार, उसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, माइनस 132। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपने नहीं किए हो तो चलो मैं इसको फैक्टराइज बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना रफ बनाएंगे। तो रफ हमारा कैसे बनेगा? हमारा कुछ इस तरह का रफ बनेगा, इस तरह का हमारा रफ बना। अब इसमें कैसे हो जाएगा कि देखो, पहले माइनस का साइन है तो पहले मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट और यहां लिखूंगा डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। ओके, अब यहां दिया है माइनस 132 तो माइनस 132 लिखेंगे, और यहां पे कुछ भी नहीं तो हम क्या पकड़ेंगे, 1 प्लस 1। अब हमें 132 को फैक्टराइज करना है, ऐसा फैक्टराइज करना है, ऐसा फैक्टराइज करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। अब इतना बड़ा नंबर है 132, इसको कैसे फैक्टराइज करें? तो छोटे छोटे इसमें फैक्टराइज करना, यानी पहले 2 से फैक्टराइज करो, सो 2 इंटू, इसको 2 से करेंगे तो 2 6 12 एंड 2 6 12। आ गया? अब आप इसको वापस से 2 से फैक्टराइज करो, 2 से 2 3 जा, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 33 सिर्फ एक ही पारे में आता है, एक ही टेबल में आता है, किसमें? 2 इंटू 2 इंटू वो आता है 11 इंटू 3 में, 11 इंटू 3 में। समझे मेरी बात? तो क्या हो जाएगा, 11 को छोड़ दो, 3 2 जा 6 एंड 2 जा 12, सो 12 इंटू 11 आ गया, 12 इंटू 11। और 12 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, और 12 में से 11 माइनस करेंगे तो बराबर 1 आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये वाला फैक्टर का जुगाड़ हो गया, समझे? तो ये आ गया आपका यहां पे 12 और यहां पे 11। सोचो कभी कभी ऐसा भी होता, ऐसा भी होता कि वहां पे 11 इंटू 2 और 3 इंटू 2 बना देता तो 22 इंटू 6, यानी कभी 16 भी आ सकता था, यहां पे 16 भी आ सकता था। और क्या चांस है, सोचो, और चांस है कि 11 इंटू 3 कर दिया रहता और 2 इंटू 2 कर देता, सो 11 3 जा 33 और ये 4, यानी यहां पे 29 भी आ सकता था, समझे? और क्या ऑप्शन है कि 11 को रखता इंटू 2 इंटू 2 करता और 3 को अलग हटा देता, सो 11 2 जा 22, 22 जो 42 44 माइनस इंटू 3 आता तो ये 41 वाला भी आ सकता था, यानी यहां पे 41 आता तो भी इसका फैक्टर चल जाता। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सेटिंग जमाना है और सेटिंग जमा के फैक्टर निकालने की कोशिश करना है। ओके, आप ट्राई करोगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, बिना ट्राई किए तो नहीं आएगा, आपको सीखना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि पेपर में कोई भी ऐसे फैक्टर आ सकते हैं, कोई भी ऐसे फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है? तो 12 इंटू 1 आ गया। अब आता साइन कौन सा लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट साइन लगाना है, एक को प्लस एक को माइनस। अब किसको प्लस और किसको माइनस, तो यहां पे प्लस दिया है तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। अब यहां एक्स दिया है तो यहां पे एक्स और यहां पे भी एक्स,
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x उसका माइनस 132। अब आएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 11 इंटू एक्स, और 132 को क्या लिखेंगे, वही 12 इंटू 11 लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, यहां से और यहां से पहले वाले टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है, उससे निकल रहा है x और दूसरे से निकल रहा है 11। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने x को कॉमन निकाला तो आ जाएगा आपका x प्लस 12, x प्लस 12, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो यहां से माइनस 11 निकालेंगे तो आएगा x प्लस 12। समझा क्या मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला है। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 12 को एक बार लिखूंगा, दो बार दिया है तो, और उसके बाद इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 11 आ जाएगा। तो ऐसा करके हमने इसको फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, ऐसा आ गया कुछ क्वेश्चन में, आ गया आपका 2 root 3x minus 9, ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, 2 root 3x minus 9 ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो ऐसा सेम क्वेश्चन आपको अपने एक्सरसाइज में मिलेगा बिल्कुल। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले वही, पहले हम रब बनाएंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा, सर ये रब बनाना जरूरी है क्या, हम अपने सर के तरीके से नहीं बना सकते क्या, जैसे हमने स्कूल में सिखाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अपने सर के तरीके से मत बनाओ, लेकिन जैसा मैंने बनाया आप अभी बनाओ, आने वाले कई सालों तक मेरा नाम लोगे, आने वाले कई सालों तक मेरा नाम लोगे, और कभी आपका गलत नहीं होगा, कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, समझे। तो देखो ये निकालना है, तो पहले आप माइनस का साइन दिया तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट, और यहां लिखूंगा डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। ओके, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, माइनस नाइन, तो मैं लिखूंगा माइनस नाइन, और यहां लिखा है प्लस 2 root 3, प्लस 2 root 3, समझे। अब 9 को ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए, 9 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। सोचो, सिंपल सी बात है, हम 9 को कैसा लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 into 3, और तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, और तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद ये जो 3 है इसको मैं लिख सकता √3 into √3। आपने 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 3 को √3 into √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो होता है वो √3 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 आएगा, तो इसी चीज को हम ऐसा नहीं लिख सकते, √3 into √3 नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यहां पे ऐसे लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, हमें ये लाके दिखाना है 2 root 3 माइनस करने पे, तो 1 3 को यहां लिखो तो क्या हो जाएगा, 3 root 3 into √3 आ गया। अब देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या ये टर्म नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बिल्कुल। ओके, तो बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला, और छोटा नंबर ये वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 3 root 3 और ये हो गया आपका √3 आ गया। अब आती बात आती है साइन कन्वीनियंस की, कि साइन कैसे लगाएं, तो वही मैंने बताया पहला तरीका कि यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करते समय अगर डिफरेंट साइन लगाना है तो बड़े वाले को यहां पे प्लस दिया है तो बड़े को प्लस, छोटे को माइनस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x square प्लस 3 root 3x minus √3x minus 9, ऐसे लिखेंगे। अब क्या होगा,
अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स, यानी हम इसको ऐसा लिख लेते हैं फैक्टर के फॉर्म में। सो एक्स इन टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री को ऐसा लिख सकते हैं थ्री इंटू रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स। और नाइन को कैसे लिखेंगे, नाइन को लिखेंगे रूट थ्री थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री इंटू रूट ऐसा लिखेंगे रूट थ्री, समझे। अब ये दो आपके एक हो गए और ये दो आपका एक हो गया, समझे। अब क्या होगा, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो एक्स कॉमन निकल रहा है और यहां से रूट थ्री कॉमन निकल रहा है, समझे। तो यहां पे क्या बचेगा आपका, एक्स निकालने के बाद यहां पे बच रहा है एक्स और यहां पे बच रहा है आपका थ्री रूट थ्री माइनस, यहां से रूट थ्री अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स, ओके क्या आ गया एक्स प्लस थ्री रूट थ्री। क्यों थ्री रूट थ्री, ये तो निकाल लिया तो माइनस के बाद बचा तो सिर्फ इतना ही ना, तो क्या हो जाएगा ये और ये एक बार लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस थ्री रूट थ्री, और फिर इनको साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस रूट थ्री, आ गया। तो ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा थोड़ा सा ऐसे सिंपल ही लूंगा क्योंकि मुझे तो सिर्फ बस बताना है, इस बार मैं थोड़ा इरेज नहीं करता हूं ताकि समय मेरा बच जाए। तो मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वेयर, मैंने पी स्क्वेयर लिया प्लस 68p माइनस 256, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको आपके होमवर्क में। अब देखो यहां पे माइनस साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट लिखते समय डिफरेंट साइन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे 68 दिया हुआ है और यहां पे 256, तो यहां पे 256 और यहां पे माइनस सॉरी प्लस 68 आ गया। अब 256 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 60 आना चाहिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे 60 आना चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन में 68 लिखा होगा तो उसको काट के 60 बना लेना, काट के क्या बना लोगे 60 बना लोगे, वो रॉन्ग दिया है मैंने। अब देखो 256 को ऐसा फैक्टराइज करो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 60 आए। अब इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, कैसे करेंगे, तो वही तरीका है, ओके वही तरीका है। क्या तरीका है कि पहले हम क्या करें, पहले हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करें, यानी 256 को हम लिखेंगे 2 इंटू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा, 2 इंटू उसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 64 आएगा। अरे बाप रे, ये तो यही पे आंसर दे दिया उसने, क्यों, ये 64 और 64 2 2 जा 4, तो 64 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 60 नहीं आ जाएंगे, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, वहीं पे दिख गया मुझे। तो मैंने क्या किया, बड़े वाले को इधर लिखा और 4 को इधर लिख दिया, लिखा। अब साइन कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका p प्लस 64 और बन जाएगा p माइनस 4, p माइनस 4 क्योंकि सामने में p लगा दिया था, एक फैक्टर बन गया और सामने में बना दिया था एक फैक्टर। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको शॉर्टकट करना नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से करना है। अगर किसी प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम में अगर छोटा सा ही कंसेप्ट आ जाता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे। आपको एक बात बता दूं कि हमने अभी चारों टाइप पढ़ लिए हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि आप उन चारों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम में यानी नेक्स्ट पीरियड जो रहेगा वो नेक्स्ट टाइप में हम लोग अलग वेरिएशंस वाले क्वेश्चन दिखेंगे, यानी अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे सब में यहां पे कोई नंबर नहीं था, तो अब हम देखेंगे कि यहां पे नंबर रहेगा। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो फैक्टर है वो अभी काम नहीं आने वाला है, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, उसके बाद भी काम आएगा, यानी जब तक आप लोग पढ़ोगे तब तक आपको ये फैक्टर काम आएगा, ओके। इसलिए हम जितना अच्छे से सीखेंगे
उतना हमारे लिए अच्छा होगा। समझे मेरी बात? तो चलो अब हम यहीं रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।